बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या जिस कपड़ों में हम बिस्तरी की जाए, क्या इन कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकते हैं? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हम बिस्तरी वाले कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं? एक बहन ने सवाल किया है कि अगर जिस्म नापाक हो तो क्या इसके ऊपर जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर, अगर एक शोहर अपनी बीवी से सोबत करता है, हम बिस्तरी करता है और बग़ैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है, वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। वजाहत फरमा दें, इस बारे में क्या हुक्म है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये एक बहुत ही अहम मसला है और इसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सादा सा जवाब ये है कि नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा मस हो जाए तो वो नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर अलबत्ता इन कपड़ों पर गलाजत या नजासत लग जाए, यानी कि मनी के कतरे लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड एक और सवाल है, इसका भी आपको जवाब देते चले। बाज़ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बिस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं, यानी कि कोई बनियान वगैरह पहनी होती है, तो हम बिस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि जिस जगह हम बिस्तरी की जाए, यानी कि किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़ों के ऊपर हम बिस्तरी की जाए, तो इनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में अहदीस मौजूद है इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोबत करे तो क्या फिर वो इन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकता है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि गुज़श्ता रात मैंने जिस कपड़ों में बीवी से सोबत की, इन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज भी पढ़ ली है। यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए, ये नहीं इनके ऊपर मनी वगैरह के कतरे लग गए हों तो ऐसी सूरत में वो नापाक हो जाएंगे। और अगर इनके ऊपर निजासत के कतरे नहीं लगे तो आप हम बिस्तरी करने के बाद गुसल करके इन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो नापाक इसी सूरत में होंगे जब इनके ऊपर निजासत लगेगी। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे बढ़कर उम्दा अखलाक के मालिक थे। आपने एक रोज़ मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है मैं इसके लिए जाऊंगा। कहते हैं पस मैं निकला, हत्ता के बच्चों के पास से मेरा गुजर हुआ जो बाज़ार में खेल रहे थे, तो अचानक क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे से मेरी गर्दन पकड़े हुए थे। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। फरमाया अंस, उधर जाओ जहाँ का मैंने तुम्हें कहा है। मैंने अर्ज़ किया, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा रहा हूँ। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कसम अल्लाह की, मैंने 7 साल आपकी खिदमत की है या 9 साल, मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे कभी किसी काम पर जो मैंने किया हो कभी यूं कहा हो तूने ऐसे क्यों किया, या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो तो कहा हो कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जबकि मैं एक नौखेज़ लड़का था। मेरे सब काम इस मियार के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी। इसके बावजूद आपने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और ना यूं कहा तूने ये क्यों किया और इस तरह क्यों नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया।